हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। जैसा कि मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ, भारत के टॉप 5 ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको जाने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों, हमने पांचवें नंबर पर इस लिस्ट में रखा है शिमला। इस शहर को आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। यह शहर हिमाचल की राजधानी है। यह शहर इतना खूबसूरत है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जाने के बाद दूर दूर तक बर्फ की चादर, नीला आसमान और सुंदर पहाड़, झील जैसी खूबसूरत चीजें आप देख सकते हैं दोस्तों। इस शहर का नजारा बर्फीली बारिश होने के कारण और भी अद्भुत हो जाता है और यह देश विदेश से आए सभी टूरिस्टों का सबसे प्रमुख जगह में से एक है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर हमने यहाँ पर रखा है जम्मू एंड कश्मीर को। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर ठंडी और बरसात का मौसम अधिक रहता है और बर्फ की चादर से ये भी शहर काफी दूर तक फैला हुआ है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम रखे हैं कोच्चि शहर को। कोच्चि शहर इसलिए प्रमुख है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी टूरिज्म की संख्या अधिक है और यह केरल का एक खूबसूरत सा शहर है। यहाँ पर भी काफी डेवलपमेंट अच्छे लेवल पे हुई है और सबसे खास बात है कि यह समुद्र के सबसे निकटतम वाला शहर है, जिसके कारण यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे बीच मौजूद है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो यहाँ पर हमने रखा है गोवा को। दोस्तों, इस शहर में अपने देश के साथ साथ विदेशी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में घूमने आते हैं। दोस्तों, इस शहर की कैपिटल पणजी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि पहले नंबर पर कौन आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले नंबर पर चुना है ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाला यह ताजमहल कहा जाता है कि शाहजहां ने मुमताज बेगम की याद में बनवाया था। यह इतना खूबसूरत है कि जिसके कारण यह दुनिया के 7 अजूबों में से आता है। तो दोस्तों, यह रहा भारत का 5 बेस्ट घूमने का प्रमुख जगह है। तो दोस्तों, हमें ये वीडियो कर लेते हैं समाप्त। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को प्लीज फटाफट से लाइक कर देना और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलता हूँ, जय हिंद।